अब अगर नहीं हुआ ना सांगवान अपनी माँ वाली हो फिर। उसको क्या बोला फिर भाई बता? किसको किसको क्या बोला? देख मेरे पे ये सब मत गेम किया कर, ठीक है? मैं जब सुबह से तुम लोगों की सुन रहा हूँ ना, मत अबे आप बोल रहा है कि धोखा मत दे दियो। क्या मैं चूतिया बैठा हूँ? फिर जब सुबह से इन लोगों के साथ हर चीज में, पिछली बार भी तूने बोला था ना सांगवान मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता है, सांगवान छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे सांगवान, मेरे को तेरे से कोई बात नहीं। अदित ने सामने से बोला कि ये कन्वर्सेशन अभी आई भी नहीं है सर। हाँ सुन, ये आई भी नहीं है, गलती से बोला मैंने, उसको अभी याद दिलाया, वो यही बोलने आया। क्लियर होता है, ऐसा मत करो भाई, फिर तुम्हें मुझे तो खराब लगेगा। मुझे तो सोचते अरे बिकॉज बात करना भाई, ऐसा दे रहा है कि तू ये कर रहा है कर रहा है। पिछली बार भी नहीं किया था सांगवान, तेरे बाजू में बैठा था, तेरे बोलने पे किया था, पर मेरे पे ऐसा मत क्या कर। देखो लग खराब, मुझे आई फील बैड, इट्स माय फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट, आई एम टेस्टिंग यू, आई एम टेस्टिंग यू, आई केम टू हिम राइट नाउ बिकॉज़ मैंने गलती से तुम लोगों ने मीटिंग में नया वाइल्ड कार्ड है, मैं कंफ्यूज हूं, समझ नो आई केम, आई केम रेक्टिफाई इट। इससे बात कर रहा हूं, मैंने अभी उसको यही हार गया, मैंने इसको बताया कि 4 टीम्स में क्या डिवीजन है, तो जब मैंने इसको बोला इसने मेरे को वो नाम दिया, तो मैंने बोला नहीं हम लोग यू जा रहे हैं, नहीं आई केम हियर टू टॉक एम जा रहे हो, तो मैं इसने बोला कि मैंने वंश को गलत बोला, तो मैंने बोला अंदर, तो हम अंदर बोलने आए थे। और तू सुन, क्योंकि इसको मुझे ऐसे लगा ब्रो, कसम से अभी मेरे को पता है मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला कि तू ज्यादा सोच मत, जो तेरा कैप्टन बोला उसका नाम नहीं। हां मैंने भी मेरे को फर्स्ट पूछा, मैंने फर्स्ट क्या बोला, मैंने आपको क्या मैं क्यों करूंगा चूतिया, नहीं नहीं ऑब्वियसली मैंने आपकी कन्वर्सेशन, मैंने पूरी बात तान्या तेरे को भी यार बोला तो मेरे बात नहीं, मेरे को लगे खराब ना ऑब्वियसली कि मेरे को उसने बोला, मेरे क्या ब्रो मैंने मेरे को भी बोला, समझ रहा है तू? वो क्लियर नहीं किया, ठीक है मुझे तो एक्सपेक्ट तो कुछ और बोल दे, तो हम लोग क्या ऐसा क्या तू समझ रहा है? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं चार्ज पिंग बॉल को। ये ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। आपको ये पता है यहाँ पर क्या सिनेरियो क्या रहता है, कुछ नाम रहेंगे, एक नाम मैं रैंडमली निकालूंगा, हो जाए शुरू। एलिमिनेशन के बाद उन्नति ने लास्ट चांस में चैलेंज किया अपने कैप्टन जो को, जिसमें हुआ 1v1 गेम, जिसमें जो ने उन्नति को 4-0 से हराया। I can't see a team here. Like मैंने इसको बोला देखो 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो यूज कर दिखा, तब इसने परफॉर्म किया। बट जब ये हारता है ना सामने, लाइक हारने से पहले बोलता है कि सामने रिवेल्स से मैच होने वाला है, तब ये बोलता है कि वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, तो इस मेंटली मेरे को लगता है इसको इफेक्ट कर जाता है कि सामने वाला भी स्ट्रांग है, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अभी मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे ध्रुव हाँ जी टीम में ना कोहेसिवनेस रहा, थोड़ा एकजुट रहो। मैं बोलता हूँ तान्या का जितना हो सके सुनो, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है गेम को लेके, अगर ट्रस्ट करो तो आई वांट देम टू बी क्लियर विद मी कि भाई देख सीधी बात है, मैं इसमें अच्छा तो हूँ, अच्छा बोल के हगेगा तो सर फिर अब अल्टीमेटली अब तक मैं बहुत कामली हैंडल करता, और एक टाइम फिर फटूंगा मैं। आज ऐसा हुआ बेंचिंग के टाइम पे, थोड़ा सा हीट हुआ कि ही वांटेड टू प्ले बट वो बोल रहे थे कि मुझे बेंच होना चाहिए, टीम बोल रही थी, बट आई थॉट क्या मैं बेंच हो गई तो फिर मतलब मेरी तरफ से जो अच्छा गेम प्ले वो तो नहीं आ पाएगा। हर तरफ से यहाँ पर जो मुश्किल है वो बढ़ाते हुए जेसिका को भी डाउन करेंगे, और अकेले ये खिलाड़ी 57 फ्रैक्स निकाल चुका है। जयंत की बात करें, उनकी तरफ से भी बेहतर प्रदर्शन जरूर से देखने को मिलने वाले 38 पे वो, लेकिन गुरलीन थोड़ा बहुत बेहतर अभी भी उनको करना पड़ेगा। जयंत यहाँ पर एक ईजी टारगेट जरूर से उनको मिला, लेकिन आदित्य के साथ अब उनकी फाइट हमें देखने को मिलेगी। देखना यह है कि कितना बेहतर वो कर पाएंगे। स्पॉट जरूर से किया देते हैं एक प्लेयर को, लेकिन उनके ही टीममेट वो रहने वाले 364 और 358 एक बार फिर से बहुत करीबी ये जो मामला है वो होता हुआ, बट आदित्य जैन को डाउन करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय वहां पर वो रिलोड करने के लिए गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जयंत को डाउन किया। प्रोन शॉट देने की कोशिश, लेकिन हर बार वो जो शॉट है वो काम नहीं आता दोस्त, हर बार आप ड्रॉप शॉट नहीं ले सकते, और सामने जब आदित्य हो तब तो बिल्कुल भी नहीं चले। माहिरा ने ये चीज बेहतर करी कि वहां पे डेयर ड्रैगन्स के खिलाड़ी थे जो कैप्चर करते हुए नजर आए थे सी साइड, बट उन्होंने पूरी तरीके से उसको नेल किया। और अभी जेसिका की बात करें, वो वापस से सी साइड पे आ गई। माहिरा ने शायद जेसिका को वहां पे देखा भी है, गुरलीन भी सामने मौजूद है, 2v1 का सिचुएशन है, गुरलीन शॉट्स देने, जेसिका सामने मौजूद है, फायर करना पड़ेगा, और गुरलीन ने फाइनली फायर किया। Amazon शॉपिंग ऐप में मिनी टीवी पे क्लिक करें और देखिए हमारा शो प्लेग्राउंड सीजन 2 बिल्कुल फ्री में।